नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16, 17 और 18 नवंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर नर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, उनसे के साथ बात करते हैं यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 16 नवंबर की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इन दिन रेवती नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो सर्वार सिद्धि नाम का शुभ योग और व्यातिपात नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। वह दोस्तों, राहु कल के समय दोपहर के 2:54 लेकर शाम के 4:16 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चरमय दिन मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार कर जाएंगे। वे दोस्तों, अगले दिन 17 नवंबर की बात करें तो बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र और वरीया नाम का इस दिन शुभ योग रहेंगे। राहु कल के समय दोपहर के 12:11 लेकर दोपहर के 1:33 रहेगा और चंद्रमा मेष में ही संचार करेंगे। दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें 18 नवंबर की तो गुरुवार का दिन होगा, चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र और परिग नाम का शुभ योग के साथ ही राहु कल का समय दिन दोपहर के 1:33 रहेगा। दोस्तों, आखिरी दिन 18 नवंबर की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, भरणी नक्षत्र और परिग नाम का शुभ योग रहेंगे। राहु कल के समय दोपहर के 1:33 से लेकर दोपहर के 2:54 रहेगा और चंद्रमा दिन मेष राशि में ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में पिता से आपके संबंध में मधुरता आएगी और आप इस दौरान जरूरत पड़ने पर उन्हें हर संभव सहयोग भी करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके मान सम्मान में यश में वृद्धि देखी जाएगी। युवाओं के लिए यश में सफलता के नए दरवाजे खुल सकते हैं। दोस्तों, यश में आपकी बच्चों के साथ कुछ समय बीतने का मौका मिल सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में पैसे से जुड़े लेन देन करने से आपको बचना होगा। किसी को बिना सोचे समझे पैसे उधार देने से आप इन दिनों में बचें। दोस्तों, यश में अनाथालय में बच्चों को कुछ भेंट करें, सारे काम अच्छे से होंगे। दोस्तों, स्थिर स्वभाव के चलते अपने पीर के साथ आपके जो मतभेद भी हो सकते हैं, इनका आप ध्यान रखें। दोस्तों, यश में अपनी कुछ गलतियों का आप पछतावा भी करेंगे, कुछ गलतियां के लिए आप खुद को दोषी भी मान सकते हैं, ये आप में कुछ हद तक निराशा और हताशा का भाव ला सकता है। वही दोस्तों, यश में आपको इन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इन दिनों के जो दूसरा पहर है वो आज समय कुछ ज़रूरी खरीदारी से निपटने के संकेत दिखा रहा है। दोस्तों, आपको कुछ मामलों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी यश में करना होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। दोस्तों, यश में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ऑफिस में, उन्हें आज सहयोगियों की पूरी मदद मिलेगी। अगर आप किसी जमीन का सौदा करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, ये जो समय है आपको कोई अच्छा ग्राहक भी यश में मिल सकता है। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, प्रेम में पड़े जातकों को इस समय अच्छे फल मिलेंगे। आप अपने प्रियतम को अपने दोस्त से भी मिलवा सकते हैं। इस दौरान संभावना है कि प्रेमी को आपकी जो पसंद है या फिर नापसंद है जानने का मौका मिलेगा। आप उन्हें कोई यश में उपहार भी दे सकते हैं, जिसे पाकर वो काफ़ी जो प्रफुल्लित हो उठेगा और आपको अधिक प्यार लुटाएगा। दोस्तों, यह समय जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय विपरीत हो सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है।
दोस्तों यह समय किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या फिर किसी विरोधी के कारण आपके जो दिमागी तनाव है वह बढ़ सकता है। ऐसे में दोस्तों स्वास्थ्य का कमजोर होना स्वाभाविक है। अतः दोस्तों पूर्व से ही इस बात का आप ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए जो है कार्य को बढ़ाएं। वही दोस्तों इन दिनों की आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यह समय आराम नहीं बल्कि कठिन परिश्रम करने का समय होगा। विशेष रूप से आप आर्थिक लाभ देने वाली ठोस प्रवृत्तियों के पीछे समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों यह समय मूड में होने वाली जो बारंबार परिवर्तन के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, परंतु दोस्तों ये जो दिन का दूसरा पहर है यानी शाम तक आपका जो मूड है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों यह समय आपके धन को लेकर अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले जो पुरस्कार हैं आपको काम करने से प्रेरित करेंगे। आप काम पर अधिक ऊर्जा लगाएंगे। अपने शरीर पर क्षमता से ज़्यादा भार डालने से यह समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। अतः दोस्तों यह समय आप अपने शरीर पर या फिर जो आपके शरीर से ज़्यादा बोझ हैं उन्हें आप लादने से यह समय बचें। दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो आप अपने पीढ़ी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। किसी नवीनतम जो बॉक्स ऑफिस मूवी को देखने का मन बनाएंगे। अतः दोस्तों ये जो समय है पति या फिर पत्नी के साथ रोमांटिक पलों की संभावना बन सकती है। दोस्तों आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सुखद शाम व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको इस बात पर विश्वास रखने की आवश्यकता होगी कि आपकी जो अवांछनीय स्थिति है भविष्य में किसी दिन जरूर सुधरेगी। दिन के दूसरे पहर में आपको इसकी झलक दिखाई देने लगेगी। भाग्य आपको देखकर मुस्कुराने भी लगेगा। मैं दोस्तों इन दिनों में दिन के शुरू होने पर मानसिक या फिर शारीरिक रूप से कोई कठिन कार्य न करें। आपको सुझाव दिया जाता है कि पहले चरण है दिन का कुछ भी अधिक न करें। हालांकि दोस्तों आप बाद के वक्त में कठिन कार्य करने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर स्वास्थ्य का यश में आनंद भी लेंगे। वही दोस्तों यह समय मनोरंजन में बाहर की गतिविधियां और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है दोस्तों उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की यह समय सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आपका ऊर्जा से भरपूर जिंदा दिली और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को यह समय खुश कर देगा। घर में परेशानियां पैदा हो सकती है लेकिन अपने साथियों को छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें। घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशि की गृहिणियां दिन में फुर्सत से टीवी या फिर मोबाइल देख सकती हैं। दोस्तों यह समय जीवनसाथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट लग सकती है जिसके चलते आप उदास भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज यह समय बिल्कुल ना करें। दोस्तों तनाव बढ़ने की संभावना है इसलिए दोस्तों डॉक्टरी सलाह यह समय आप लेने की कोशिश करें, यह आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों यह समय आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपको यह समय जो है प्रातः सुबह उठकर जो भी स्वर चल रहा हो वहीं हाथ देकर 3 बार चूमें, तत्पश्चात वहीं पांव धरती पर रखें और वहीं पांव आगे बढ़ाएं। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपके व्यापार में मंदी आ गई है या फिर नौकरी में मंदी आई हुई है तो दोस्तों यह समय क्या करना चाहिए? दोस्तों किसी भी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या फिर बहती नदी में डाल दें। शीघ्र ही आपकी मंदी खत्म होगी और आपके व्यापार में जान आ जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों ही उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और साथ दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।